देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। थाना बैतपुरा क्षेत्र अंतर्गत मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में रिपोर्ट। दिनांक 29 सितंबर 2021 को समय लगभग 5:30 बजे दिल्ली से कानपुर जा रही एक मालगाड़ी थाना बैतपुरा क्षेत्र अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि मालगाड़ी के बीच के डिब्बे पटरी से उतरकर क्षतिग्रस्त हो गए। गाड़ी का इंजन एवं आगे तथा पीछे के डिब्बे सुरक्षित बचे हुए थे। सूचना मिलते ही तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी तथा संबंधित थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में मौका मुआयना किया गया एवं चश्मदीदों से वार्ता करने पर पता चला कि कुछ बच्चे वहां पर बकरियां चला रहे थे, जिनमें से 2 बच्चे दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया एवं एक की बच्चे की मृत्यु होने की भी सूचना मिली है, जिसके शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। गौरव शाह की इटावा की रिपोर्ट। देखिए, एक सूचना मिली कि ट्रेन जो है मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी लोग हम लोग आ गए थे। यहाँ पे देखा गया तो आगे के डिब्बे सुरक्षित हैं, इंजन सुरक्षित है, पीछे के डिब्बे सुरक्षित हैं, बीच के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं। उसमें गिट्टी लदी हुई थी, पत्थर की गिट्टी लदी हुई थी, वो गिट्टी भी बिखरी पड़ी है। इसमें यहाँ कुछ बच्चे जो है बकरी चरा रहे थे, जैसा कि आने पर जानकारी मिली है। 3 लोग घायल हुए थे, 3ों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। 1 की डेथ हो गई है, 2 का उपचार हो रहा है। आगे रेलवे की टीम पूरी आ रही है, रेस्क्यू टीम आ रही है, मेडिकल टीम आ रही है और उनके आने के बाद आगे कार्रवाई की। लगभग कितने डिब्बे रहे होंगे जो डीरेल हो गए हैं? अब टोटल 58 डिब्बे बताए थे, आगे के डिब्बे भी बचे हुए हैं, 7-8 डिब्बे पीछे के भी बचे हुए हैं। बीच में जो डिब्बे हैं ये गिनती करना संभव नहीं है, जिस तरीके से ये हैं वो आने के बाद क्लियर करें। ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ लोग दबे होने की भी संभावना है? अब ये चीज़ें अभी तक तो कोई जो संज्ञान में आए, जो सामने 3 दिखे हैं उन पे तो हम लोगों ने तत्काल उपचार के लिए भेज दिया है। आगे डिब्बे हटेंगे, कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम आगे अवगत कराएंगे। ठीक, थैंक यू सर।